आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल गुजिया। इसमें थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जिनसे हमारी जो गुजिया है बिल्कुल खस्ता और टेस्टी बनती है। मैं अरुणा गुप्ता, अरुणा किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो चना दाल की गुजिया बनाने के लिए मैंने चना दाल ले ली हुई है। ये तो सबको पता ही होता है कि चना दाल किस तरह से होती है। तो ये मैंने 200 ग्राम ले ली हुई है, ऐसी ये एक बोल है। इससे हमारी 15 से 18 तक गुजिया बन जाती हैं। तो अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। हमने पूरी दाल डाल दी है, अब इसको हम पानी में डाल के सोक कर देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इससे 3 गुना ज्यादा लेंगे, उसमें इसको सोक करने के लिए रख देंगे। अब पानी इसमें हमारी, अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी तरह से रहने देंगे, धोएंगे भी नहीं अभी, बस ढक्कन लगा के इसको 5-6 घंटे तक भीगने रख देंगे, वरना ओवरनाइट सोक कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। फिर उसी के बाद इसको धोएंगे और पीसेंगे। अब ओवरनाइट सोक होने के बाद जो है दाल हमारी सॉफ्ट हो गई है इस तरह से। इसे गर्मियों में हो तब तो दिन में 5-6 घंटे में हमारी अच्छी तरह से ये सोक हो जाती है। अब इसको हम धो लेंगे क्योंकि हमने धोई नहीं थी पहले ये, और इसका पानी जो है पूरा ड्रेन कर देंगे। दाल धो ली है और देखो ये मैंने छलनी में निकाल दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। मैं जो इसको सील बट्टे पे पीसूंगी। अगर तो जैसे मिक्सी जार में पीसनी है तो हमें वैसे भी दर दरी रखनी है, तो एक आधा चम्मच हमारा पानी जाएगा, ज्यादा पानी ना डालें इसमें, वरना फिर हमारा मटेरियल जो है स्टफिंग का वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं सील बट्टे पे पीसूंगी इसको। इसको हम टॉवल के ऊपर रखेंगे ताकि जब हम दाल को पीसे तो आगे पीछे ना हिले ये। तो थोड़ी सी दाल लेंगे। सिलबट्टा कैसे चलाया जाता है इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो कि सिलबट्टा कैसे यूज किया जाता है। तो ये दाल डाल दी मैंने, अब इसको मैं बट्टे से जो है पीस लूंगी। ट्रेडिशनली जो हम गुजिया बनाते थे, मतलब जैसे हम प्राक भी बोलते हैं कि चने की दाल की प्राक बनाते थे, तो इसी तरह से बनाते थे। पहले जो हम मिक्सी जार में नहीं पीसते थे, अब तो सहूलियत हो गई है काफी, तब हम उसमें पीस लेते हैं, वरना जो इस तरह से पीसेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए इसमें जो हमारी बिल्कुल सूखी पीसी जाती है दाल, इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी गिल्ली होती है इसी से ही हमारी अच्छी तरह से पीसी जाती है दाल। ये देखिए इसमें जो हमने दरदरी सी दाल पीस ली, जैसे हल्का सा एक दाना सा फील होता है वैसा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी है, दरदरा ही रखना है इसको हमें। तो इतना हमारा हो गया, देखो कितना जल्दी हो गया। अब इसको निकाल देंगे और अगली वाली दाल हम डाल के पीस लेंगे। जैसे मिक्सी जार में भी पीसनी है तो हमारी बस इसी तरह से हल्की हल्की दरदरी करनी है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, और सूखी हमें इतनी चाहिए। अगर ज्यादा बहुत ज्यादा गिल्ली हुई तो हमारा भूनने में बहुत टाइम लगेगा और एक टेस्ट भी नहीं फिर वैसा आता जैसा हमारी चने दाल की गुजिया में होता है। बस हम पूरी दाल जो इस तरह से पीस देंगे। दाल जो है मैंने सारी पीस ली हुई है, देखो एक कटोरी दाल से देखो हमारी कितनी ज्यादा दाल जो है ये बन गई है। अब इसको पूरी पोंछ लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम प्योर घी लेंगे, ये पिघला हुआ घी है ये। तो जिस क्वांटिटी में हमने जो है दाल ली हुई है उससे हाफ क्वांटिटी में हमारे को घी लेना है। जैसे एक कटोरी हमने दाल ली थी तो हमने हाफ कटोरी जो है घी ले लिया हुआ है। पूरी दाल डाल देंगे। फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम पे कई बार जल जाती है तो उसका फिर टेस्ट खराब हो जाएगा, तो फ्लेम मीडियम ही रखें। बीच में इवन अगर जरूरत पड़े तो लो कर दें।
बस घी की क्वांटिटी भी हमें पता लग जाएगी। वैसे तो हमारा ये घी काफी है, पर अगर बीच में लगे कि काफी ड्राई होगी ये दाल तो थोड़ा हम और डाल देंगे। इसको हम भूनते रहेंगे, अच्छी तरह से भूननी पड़ती है ये हमारे को, अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए तो फिर गुजिया अच्छी नहीं बनती है। इसकी जब एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, हल्की सी ब्राउन हो जाए, तब तक हमारे को ये भूननी है दाल। इसमें हमारे तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, 20 से इवन थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो 20 मिनट पूरे हमारे लग जाते हैं इसमें। पेशेंस का काम है ये थोड़ा। कढ़ाई इसमें मोटे तले की लें, अगर जैसे तला मोटा नहीं होगा तो दाल हमारी नीचे चिपकती जाएगी फिर, और लगातार इसको हम हिलाते रहेंगे। 5 मिनट में हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा घी हमें और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो मैं 1-2 टेबलस्पून जो इसमें और ऐड कर दूंगी। बस मिक्स करके इसको भूनते जाएंगे। 15 मिनट के बाद देखिए टेक्सचर हमारा कुछ इस तरह से हो गया है, पर अभी जैसे इसकी मीठी मीठी सी खुशबू नहीं आ रही है, तब तक हमें इसे इसी तरह से रोस्ट करना है। ये अब हमारे तकरीबन 25 मिनट हो गए, वैसे जैसे 24 से 25 मिनट में हमारा टेक्सचर इस तरह से हो गया, बिल्कुल खिला खिला सा हो गया। देखिए इस तरह से निकाल के भी हमारा पूरा निकल रहा है, एक मीठी मीठी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। वो तो काफी देर से आ गई है, पर टेक्सचर हमारा इस तरह से होना चाहिए। अब हमारा मटेरियल जो है ये अच्छी तरह से जो है ये पक चुका हुआ है। अब इसमें हम किसा हुआ कोकोनट डालेंगे। तो ये गरी जो है मैंने मिक्सी में कर ली थी, ऐसे बाजार में भी मिल जाती है, तो 1 कटोरी जैसे डाल ली थी, तो 1/4 कटोरी जो है मैं कोकोनट का पाउडर लूंगी या किसा हुआ कोकोनट जो भी लेना वो ले लें। इसको हम 1/2 मिनट भून लेंगे, क्योंकि जैसे गरी भुनी हुई का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें साथ ही में हम 15-20 बादाम और 10-15 काजू का जो है पाउडर डाल देंगे, या दरदरा कूटा हुआ, मैंने दरदरे मिक्सी में कर लिए थे ये, इनको हम इकट्ठे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल लें, पिस्ता डाल लें आप, दाख डाल लें, जो भी दिल करता है वो डाल लें आप। इसको भी हम 1/2 मिनट भून लेंगे साथ में। हम 1/2 टीस्पून के अराउंड जो है इसमें मिट्टी सौंफ डालेंगे। मिट्टी सौंफ से खुशबू और फ्लेवर अच्छा आता है इसमें, ये खुशबू बड़ी अच्छी आती है इसमें जब डालते हैं। अब गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। अब चीनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि गर्म में नहीं डालेंगे वरना वो पिघल जाएगी इसमें। तो अब ठंडा होने देते हैं मिक्सचर, फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होता है तब तक हम इसका मैदा गूंध लेते हैं। तो मैंने 2 बोल जो है मैदे के ले लिए। जैसे 1 बोल हमने चना दाल लिया था, तो हम उससे अकॉर्डिंग 2 से 2.5 बोल जो है मैदे के लेंगे। फिर डिपेंड करता है, कई बार जैसे हम ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डाल दें, कोकोनट ज्यादा डाल दें, तो मटेरियल फिर ज्यादा हो जाए, तो उस हिसाब से हमारा थोड़ा ज्यादा लगता है। बस एग्जैक्ट क्वांटिटी हमारी इसी तरह से होती है कि 1 बोल जैसे दाल का है और 2 से 2.5 बोल हमारे मैदे के जाएंगे। अब इसमें हम 3 सर्विंग स्पून जो है घी के डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से जो है इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। इसको हम मोयन करना भी बोलते हैं, कि हम मोयन कर लेंगे। तब तक इसको बनाएंगे जब तक कि हमारी जैसे मुट्ठी में जो है अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए। दाना दाना खिल जाता है। बोल में मैंने पानी ले लिया हुआ भर के, ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, इसमें हमें गर्म पानी लेने की जरूरत नहीं होती है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और गूंथते रहेंगे, एकदम से इकट्ठा पानी नहीं हम ऐड करेंगे इसमें।
हमें सख्त डोल लगाना है, ऐसा जैसे पूरियों का लगता है उसी तरह से हम इसका डोल लगाते हैं। क्योंकि मैदा गूंथते वक्त थोड़ी सी मुश्किल भी आती है क्योंकि चिपक तो बहुत ज्यादा है हाथों में ये। अब पानी जो हमारा बच गया, इसमें आधे बोल से थोड़ा सा ज्यादा पानी हमारा लगा है और ये बच गया हुआ है। तो अब इसको हम डो को 5-6 मिनट जो है अच्छी तरह से जोर लगा के गूंदेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट डो बन जाए ये। 5-6 मिनट जो है गूंदने के बाद हमारा डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम आधा घंटा रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके लिए मैं एक पॉलीथीन लूंगी, जो भी साफ सा पॉलीथीन हो। थोड़ा सा घी लगा देंगे इसमें चारों साइड से। और इसको हम पॉलीथीन में लपेट देंगे। कोई सा भी ले लें आप, रिफाइंड का ले लें, घी का पैकेट ले लें, कोई भी ले लें और उसको इस तरह से रख लें। इसके जैसे एयर नहीं जाती फिर बिल्कुल भी, और पपड़ी सी नहीं जमती। कई कई बार जो हमारे जैसे गिल्ला कपड़ा हम रखते हैं तो उससे भी पपड़ी जम जाती है, तो इस तरह से जब रखोगे तो पपड़ी नहीं जमेगी। तो मटेरियल भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें हम चीनी का पूरा डालेंगे। तो एक कटोरी, जैसे हमने चना डाल ली थी तो एक कटोरी हम चीनी का पूरा डालेंगे, फिर टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें थोड़ा लगे कि कम है तो और डाल देंगे, पर क्वांटिटी हमारी इस तरह से ठीक रहती है। कोकोनट डाला है तो कोकोनट में भी मिठास होती है, बादाम में भी और काजू में भी मिठास होती है। तो उस हिसाब से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कुछ अगर कम खाना चाहते हैं तो वो कम डाल लें, इसमें कोई बात नहीं है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कम ज्यादा चीनी कर सकते हो। तो मटेरियल हमारा फिलिंग का जो है तैयार हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। जो हमारी फिलिंग है इसको आप इस तरह से भी रख सकते हो, फ्रीजर में या फ्रिज में। एक महीना तक जो है फ्रिज में चल सकती है ये। तो फिर जब भी आपको पराग या गुजिया बनानी हो तो ये फिलिंग निकाली और एकदम से फिर बन जाती है। जब फिलिंग तैयार हो तो टाइम नहीं लगता फिर बनाने में। आटा घंटा के और आटा भी सेट हो चुका है अच्छी तरह से। इसको दोबारा थोड़ा सा मस लेंगे, इस तरह से गूंद लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, जितना सॉफ्ट होगा उतनी हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। अब आटे से हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे क्योंकि इसमें जितनी चपाती बनाते हैं उससे भी छोटी सी लोई लेनी है हमारे को। एक लोई से हमारी एक पराग बनेगी ना, तो फिर छोटी लेंगे हम इतनी इतनी सी। अब इसको हम गोल गोल बेल लेंगे। चकले पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया हुआ है, अगर चिपकना स्टार्ट हो जाए तो दोबारा थोड़ा सा घी लगा लें। एक एक बेलें या आप पूरा एक बेल कर उसको किसी गिलास या कटोरी से जो है गोल गोल उसके छोटे छोटे राउंड्स निकाल सकते हो। फिर अब देखो ये हमारी हो गई, जैसे हमारी चपाती से थोड़ी सी पतली है। अब इस तरह से हम बेल लेंगे और जो हमारा मटेरियल है फिलिंग का, अब इसमें एक साइड रख लेंगे इसको। जितने आप आपको लगे कि सफिशियंट है, वैसे एक बड़ा चम्मच काफी हो जाता है इसमें। अब इसको इस तरह से उठाएंगे और साइडों से दबा लेंगे इसको। अगर दबाने में मुश्किल आए तो आप जो है थोड़ा सा पानी और मैदे का घोल बना के भी लगा सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत है। साइड थोड़ी सी हमारे को पकड़ के करना पड़ती है इसकी। थोड़ा दबा लें ताकि जो एयर है अंदर वो बाहर निकल जाए। मैं दूसरी आपको बताती हूँ, ये मैंने फिलिंग इसमें भर दी। साइड में हम थोड़ा सा जो है खाली स्पेस छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। इस तरह से दबा लेंगे, थोड़ा बीच में भी दबा लेंगे और फोक से जो है इस तरह से दबाते हुए एक डिजाइन भी बन जाएगा हमारा और इसमें पकड़ भी आ जाएगी। तो ये ज्यादा इजी है, इसमें हमारा जल्दी जल्दी से हो जाता है। दोनों साइड से कर लें या एक साइड से भी काफी है।
अब इस तरह से इनको कपड़े में रखते जाएंगे। अब जैसे कोई फ्राक है जो वो साइड से नहीं जुड़ती हो तो उसमें हम हल्का सा पानी लगा देंगे इस तरह से, और ये आराम से चिपक जाएगी। आप चाहे सारी फ्राक में भी ऐसे कर सकते हो कि थोड़ा सा पानी लगाया और ये बिल्कुल आसानी से फिर चिपक जाएगी। कढ़ाई में जो है मैंने घी गरम कर लिया, घी डालें या रिफाइंड डालें जो भी आपकी इच्छा है वो डाल लें। ये बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने तेज गरम कर दिया, अब फ्लेम हम मीडियम कर देंगे जब हम गुजिया डालेंगे। तो एक ही गुजिया लेके इसमें हम डालते जाएंगे। तो फ्लेम आप इसमें मीडियम रखें। इसमें इसको हिलाते रहेंगे। 2 मिनट के बाद जो है फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें, हाई ना करें। इसको पलटा मार दें, जब आपको लगे कि थोड़ा सा एक साइड से पकी है तो इसको पलटा मार दें। आप एक एक करके पलटा मारें, जहां लगे कि फ्लेम बहुत तेज हो गई है तो बीच में लो कर दें। वैसे ही मीडियम फ्लेम पे जो हमारी अच्छी तरह से हो जाती है, जिसमें पकड़नी होती है तो इस तरह से वो थोड़ी सी फट जाती है। ये प्राक हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब निकाल देंगे। अब पता भी लग रहा है कि काफी खस्ता खस्ता हो गई है ये, तो बहुत अच्छी सी लग रही है ये, तो अब निकाल देंगे इसको। हमारे को फ्राई करने में जो है इसमें 8 से 9 मिनट लग गए हैं। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म गुजिया बन के तैयार हो। देखिए हमारी बिल्कुल खस्ता खस्ता गुजिया बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज से ही कितना पता चल रहा है कि कितनी खरी गुजिया है, और ऐसी अंदर इसके स्टफिंग है। देखो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।